हेलो गाइस, जो ग्रुप डी की हमारी ये सीरीज चल रही है उसकी लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग आपके लिए जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है कृपया वो सब्सक्राइब कर लें जिससे उन्हें नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज हम पढ़ने वाले मैथ्स से रिलेटेड हमारे कुछ और क्वेश्चंस, मतलब जो हमारा सेट चल रहा था बिलासपुर वाला 30 नवंबर 2014 का, उसमें आए कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 40 सिपाहियों के दल में 30 सिपाहियों का औसत कद मतलब ऊंचाई हाइट 160 सेंटीमीटर है तथा शेष का 156 सेंटीमीटर है, तो यह बताइए संपूर्ण दल की औसत ऊंचाई क्या है। तो देखो यहाँ पर बहुत आराम से आपसे एवरेज का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज के इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं कराने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल सही सिनेरियो यहाँ पर देने वाला है, ठीक है। हमसे क्या बोला गया, पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर्स मतलब संख्या, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, सम और नंबर दोनों डिपेंड करते हैं, तो नंबर्स देखते हैं, ठीक है। तो पहले टोटल कितने बोले गए हैं सिपाही, 40, ठीक है। फिर बाद में कितने बोले गए आपसे जो डिटेल दी गई है 30 की, बचे कितने 10, ठीक है। या तो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, 40 सिपाही थे जिसमें से 30 की डिटेल दी गई है और 10 की भी डिटेल आपको दी गई। आपसे क्या पूछा, 40 सिपाही है, टोटल कितने थे 40, का औसत बताओ। भाई औसत अगर हमें बताना है तो हमें और क्या चाहिए, सम। सम किसका, उनका औसत तो दिया है आपको कितना कितना है, लेकिन उनकी ऊंचाइयों का, समझ रहे हो आप, उनकी ऊंचाइयों का सम चाहिए आपको, हाइट का सम। तो हम देखते हैं हम वो कैसे निकालेंगे। अभी आपको दिया है 30 की कितनी है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर 10 की कितनी है, बचे हुए की बोली है ना। अब इन दोनों को मिलाकर देखो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो एग्जाम में हो जाती है, आप 160 और 56 को, 156 को जोड़ते दो से भाग कर देते, वो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। वो थोड़ी ना आपको, ये थोड़ी ना बोल रहा उन दोनों, आपको औसत किसका निकालना है, 40 लोगों का। अब ये टोटल निकलेगा कुछ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या करो, ये तो एवरेज दिया है, सॉरी यहाँ पर एवरेज कितना दिया 160 और 156। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, सम। आपको क्या निकालना है, सम। तो आपको सम किसका पता होना चाहिए, 40 का। और फिर 40 जब सिपाहियों का सम पता है टोटल कितना, उसमें अगर आप भाग दोगे तब एवरेज आएगा 40 का। ऐसा नहीं आएगा हमने जो कर दिया उससे, ठीक है, कि इन दोनों को जोड़ा दो से भाग कर दे, नहीं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोले 30 का सम निकालना पड़ेगा, मतलब उनका टोटल। फिर आपको किसका योग निकालना पड़ेगा, 10 का, कि 10 सिपाहियों का ऑन एन एवरेज कितना है 156, लेकिन टोटल कितना होगा 10 into 156, क्योंकि जब आप सम निकालते हो, देखो मैंने एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर लिखा, तो सम बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। तो यहां पर हम कर लेते हैं, पहले मैं 30 सिपाहियों का टोटल देख लेता हूं कितना, 30 into 160। किस फॉर्मूले से हुआ भाई, इसी फॉर्मूले से हुआ, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे आसानी से 4800 सेंटीमीटर, यहां पर देखें हम तो 10 का किस में होगा 156 में, तो 1560 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 30 का पता चल गया, 10 का, 30 का टोटल 4800 आ रहा, 10 का 1560। अब इन दोनों को जोड़ोगे तब तो 40 का टोटल पता चलेगा, 40ों का क्या था, वो 40 सिपाहियों का। तो आपने इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, तो इन दोनों के प्लस से आपका निकलेगा यहां पर सम। तो दो इनको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 6360। अब यहां पर निकालना था आपको एवरेज, तो अपॉन 40, भाई सम अपॉन नंबर होता है ना, तो आपका यहां जीरो से जीरो कैंसिल, चार से आपने कैंसिल किया, ठीक है। तो 4 बन जा 4, फिर बचा कितना 2, तो यहां पर कितना आ गया 5, फिर बचा कितना, तो यहां पर कितना गया 9, तो 159 सेंटीमीटर। तो यहां आपका जो आंसर हुआ 40 सिपाहियों की औसत हाइट का, उसका आंसर है 159 सेंटीमीटर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है 175 बनानास मतलब 175 केलों को तथा 105 संतरों को कितने विद्यार्थियों के बीच
समान रूप में बांटा जा सकता है। देखो आपको बोला गया कितने विद्यार्थियों के बीच समान रूप में बांटा जा सकता है। अब आप बोलोगे इसमें तो विद्यार्थी हम कैसे निकालेंगे, नहीं, जब ऐसी दो संख्याएं दी जाए ना, मतलब आपको क्या करना है कि अगर आप 105 संतरे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना तो बराबर मैनर में आए। अगर तीन आ रहे हैं तो सब पे तीन आए, 175 कर रहे हो चार आए तो सब पे आए, पांच आए तो सब पे आए, ऐसा। तो वो संख्या निकालनी है आपको विद्यार्थी, कुछ मत करो जब भी ऐसा पूछा जाए। आप लोगों ने HCF सुना है, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं जिसे हम, ठीक है, हम वो निकाल लेंगे यहाँ पर। वो कैसे निकाल जाता है, जो दोनों के बीच में आपको बोला कितना है, बनाना कितना है 175 और ये 105। भाई इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर होगा ना वही हमारा HCF होता है, जहां तक भाग कॉमन जाए तो देख लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हमेशा HCF निकालेंगे ऐसी जब भी आपको करना हो प्रॉब्लम सॉल्व। पांच का यहाँ पर डिवाइड डायरेक्ट दिख रहा है, पांच का कर ले, हाँ कर लेते हैं। चलो यहाँ पर हमने जैसे ही पांच का किया तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 35, क्योंकि आप देखोगे डिवाइड करके पांच का तो कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 21। अब कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ हमें सात दिख रहा है कि 35, 7 5 35, 7 3 7 कर दिया, यहाँ कितना आ गया 5 और यहाँ आ गया 3। अब कुछ कॉमन है नहीं है, तो अब हम सॉल्व नहीं करेंगे इसके आगे, जहां तक कॉमन आएगा वहां तक हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो 5 और 7, तो 5 7 35, तो आपका आंसर क्या होगा, कितने विद्यार्थी चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं, या कितने बच्चों के बीच में बांटा जा सकता है जो भी आपको दिया जाए, या कितने लोगों के बीच में बांटे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 35। कितने लोगों के बीच में बराबर बढ़ सकते हैं, 35, मतलब 35 अगर आप देखोगे 35 लोग हैं तो आप चाहो तो 175। अब यहाँ पर देखोगे कैसे 175 है, 35 का यहाँ डिवाइड हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है जी, करके देखिए 5, मतलब आप प्रति व्यक्ति या प्रति बच्चा जो भी दिया है, छात्र दिया है, उसे कितना बांट सकते हो, 5 के लिए बांट सकते हो प्रत्येक छात्र पे, मतलब बराबर बटा। अब ऐसे ही आप देख लो किसके लिए 105, 3 आया, मतलब प्रत्येक व्यक्ति पे कितने आ सकते हैं संतरे, 3 आ सकते हैं, मतलब बराबर बराबर बटा। तो इसलिए आपका आंसर है यहाँ पर 35, ऐसे क्वेश्चन में निकालेंगे आप HCF। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तथा शेष 40 किलोमीटर 5 घंटों में तय करता है, उसकी संपूर्ण यात्रा का औसत वेग क्या है। देखिए जो ये क्वेश्चन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा है यहाँ पर। आपको क्या बोला गया है, अगर हम देखें, देखो आपको जब औसत निकालना होता है तो आप क्या करते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही हमारा सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस। देखो मैं यहाँ के जो भी आपको दिया गया है ना टोटल, तो अब मैं आपको शॉर्टकट तरीके से ही बता रहा हूँ कि कैसे आप एग्जाम में तुरंत अटेम्प्ट कर लोगे। तो टोटल डिस्टेंस, भाई पहले डिस्टेंस कितनी दी है, 30, मैंने मान लिया ए सेक्शन 30 है और बचा हुआ सेक्शन क्या हो जाएगा बी, कितना है डिस्टेंस 40, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई। अब देखो आपको टोटल पता है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है। क्या आपके पास टोटल टाइम है, नहीं, आपको एक सेक्शन तो दिया है 40 किलोमीटर, तो पता है आपको कितनी देर में पूरी कर रहा था वो, 5 घंटों में, है ना, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस जो थी वो 5 घंटे में पूरी कर रहा था यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, आपको अगर स्लॉट वाइज देखा जाए तो आपको यहाँ पर क्या फोकस करना है, 30 किलोमीटर, लेकिन 30 किलोमीटर का क्या आपको टाइम पता है, नहीं, तो वो निकालेंगे। 30 किलोमीटर के लिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्पीड, और अगर स्पीड है वो यहाँ पर कितनी है इसकी, अगर 30 किलोमीटर वाले की देखो तो आप दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ अगर फॉर्मूला देखो तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये मान सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या पता है, स्पीड पता है और डिस्टेंस, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 30, स्पीड कितनी दी 6, कितना हो गया टाइम 5 घंटे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 5 घंटे। अगर आप चाहो तो यहाँ भी क्या निकाल सकते थे, अगर आपसे पूछते 40 किलोमीटर तय करने में वो कितनी स्पीड से गया, तो वो भी आप अलग से निकाल सकते थे, कैसे 40/5 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आ जाता 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बट इस सेक्शन का ज्यादा कुछ यूज नहीं है, सिर्फ इसका यूज था टाइम निकालने के लिए, वो भी किसका, सेक्शन है 30 किलोमीटर कितनी देरी में वो तय कर रहा था। अब यहाँ पर टोटल टाइम कितना आ गया आपका 10 घंटे। अब औसत स्पीड निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टोटल टाइम कितना है, आप टोटल डिस्टेंस कितनी है 70,
टोटल टाइम कितना है 7 किलोमीटर पर आर, तो आपका आंसर कितना हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था फिर से टाइम डिस्टेंस स्पीड पे, बहुत ही अलग क्वेश्चन नहीं है ये, मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ इस पर थोड़ा, तो हम देखते हैं क्वेश्चन है क्या पहले फिर उसे समझेंगे। दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः ए से बी तथा बी से ए के लिए एक ही समय पर यात्रा के लिए निकलती हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद वह क्रमशः 1 घंटे और 4 घंटे में बी से ए तथा ए से बी तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा दे दिया है, एक रेलगाड़ी 1 घंटे में वो सिमिलर डिस्टेंस तय कर रही है और दूसरी वाली 4 घंटे में, तो कुछ नहीं है। आपको क्या पूछा गया इसमें, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो देखो जब आपको टाइम पता हो ना, ऐसे क्वेश्चन में सीधा क्या दिया है आपको, एक दे दिया 1 घंटा ले रही है, ठीक है, ए से बी और फिर यहीं से जाने में, तो ये मान लो 1 घंटे वाली और ये क्या है 4 घंटे। तो भाई एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद आई होंगी, कहीं सर्टेन पॉइंट पे क्रॉस भी किया होगा, जो भी रहा हो, लेकिन उसके बाद कितनी देर में पहुंची, एक घंटे में और एक 4 घंटे ले रही, तो ये समझ में आ रहा है उनके बीच में डिफरेंस कितना 3 घंटे का आ रहा है, मतलब एक घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है और एक 4 घंटे में। तो अब इनकी चाल के बीच में आपको अनुपात निकालना है, तो देखो जो T1/T2 होता है ना, अब यहाँ पर S1 और ये S2, तो आपकी जो चालों का अनुपात होगा भाई आपका A से B और B से A, उसके जस्ट अपोजिट होगा आपका क्या, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं हम जो हमारी टाइम का अनुपात क्या है, 1/4। अब हमको क्या निकालना है S1/S2, तो ये क्या होता है हमेशा टाइम का अपोजिट, स्पीड क्या होती है हमेशा टाइम के अपोजिट होती है, तो यहाँ पर क्या होता है जैसे देखा होगा आपने फॉर्मूला, तो हमेशा क्या होता है ये देखो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ पर निकल ले, फिर जब स्पीड नीचे आती है तो टाइम ऊपर, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर T2 क्या था 4, T1 क्या था 1, तो आपका रेशियो क्या बन गया यहाँ पर 4:1 का। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने बिल्कुल आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट इसे क्लियर कर दिया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 112 का गुणज प्राप्त करने के लिए 72 को किस संख्या से गुणा, किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए, तो आपका यही क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अगर आप देखें आपको क्या बोला है, आपको किसका गुणज निकालना है 112 का, बट किस में गुणा करना है 72 में, मतलब मैं लिख लूं 72 × x करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, वह संख्या मिल जाएगी जो कि किससे डिविजल हो, किसके गुणा में आ जाए 112 के, मतलब 112 से भाग दूं तो उसमें आ जाए, ठीक है आपको ये बोला गया। तो मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा 112 और 72 का क्या ले लो आप यहाँ पर LCM, तो देख ले LCM ले लेते हैं। देखो अब इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, मैं दो से करूं बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सीधा सीधा निकालना है, LCM, तो LCM जब आप निकालोगे तो आप किससे भाग देते हो सबसे छोटी संख्या, अब ये इसमें 4 से जा रहा है क्या, मैं 4 से दे देता हूँ, हाँ बिल्कुल 4 से जा रहा है यहाँ पर, 4 से आपने जैसे ही भाग किया तो यहाँ आया 28 और यहाँ आया 18, फिर आपने किससे देखा 4 से जा रहा है कि नहीं, 2 से जा रहा है 14, 9। अब यहाँ पर कुछ कॉमन आया क्या, अगर देखो अच्छे से तो यहाँ पर अभी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन कहाँ तक आया था 4 और 2 तक, ठीक है अब इसमें किसका करना पड़ेगा 9, तो ये देखो ये तो आपका कितना हो गया, ये 9 में मैंने किसे खत्म किया 72 को, 4 × 8 = 72, यहाँ तक तो आपको क्या मिल गया 72, बचा कितना एक्स्ट्रा 14, तो आपका कितना, तो चेंजेस कहाँ पर आए यहाँ पर LCM में, इस 14 की वजह से, क्योंकि मुझे एक किसको करना था 112 को भी, तो अगर मैं यहाँ तक देखूँ यहाँ तक तो 72 हो रहा है गुणा करने पर, 72 में किसका गुणा किया जाए, तो ये एक्स्ट्रा था अलग से क्योंकि यही बचा था कॉमन, 72 × 14, तो 14 वो संख्या है जिसका मैं गुणा कर, तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, संख्या विभाजित हो जाएगी 112 से, मतलब 112 का गुणज हो जाएगी, चेक भी कर लेते हैं अभी, चलो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए किससे,
112 से तो 72 गुणा 14 अपॉन 112, ऊपर नीचे 8 से कैंसिल कर दिया मैंने, 9 आया, यहाँ पर भी कैंसिल किया तो आपका कितना आया 14, 14 से 14 कैंसिल, बचा कितना 9। तो आपको क्या क्लियर हो गया यहाँ पर कि वह संख्या क्या होगी जिससे मैं गुणा कर दूँ 72 से, न्यूनतम संख्या छोटी से छोटी जिससे गुणा करने पर 112 का गुणा जा जाए वो संख्या होगी 14। आपका आंसर है 14। आई होप आपको जो आज के लेक्चर का हमारा मोटिव था क्वेश्चन शेयर करने का वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग रीजनिंग के सेम पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.